हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एफसीएसआर क्लासेस। आज हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन जर्नल एंट्रीज प्रॉब्लम नंबर 13। जिस तरह से दिया गया है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड ओपन ओनली द पर्सनल अकाउंट इन द लेजर। यानी कि जर्नल एंट्रीज ओपन करना है, पास करना है और क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 12 में हमने पर्सनल अकाउंट ओपन किया था, यहाँ पर भी हम क्या है, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड अकाउंट ही ओपन करना होगा। फर्स्ट वन है यहाँ पे जनवरी, 1 जनवरी 2009। चलिए हम यहाँ पे डेट लिखते हैं 1 जनवरी 2009। तो क्या करा, वो बिजनेस स्टार्ट किया है, कॉमेंस बिजनेस विद फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग एसेट से क्या करा, वो बिजनेस कॉमेंस किया है, स्टार्ट किया है। तो जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कौन करता है, ओनर करता है, तो ये क्या है, बिजनेस में वो दे रहा है, यानी कि गिवर है। और बिजनेस आ क्या रहा है, टोटली असेट्स आ रहे हैं, कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग, ये कम सीन है, ठीक है। तो ये डीआर में आ जाएगा, कैश अकाउंट डेटर, कितना है 20,000। नेक्स्ट है गुड्स अकाउंट डेटर, कितना 5,000। नेक्स्ट है बिल्डिंग अकाउंट डेटर, बिल्डिंग अकाउंट डेटर 15,000। यानी कि 3 असेट वो बिजनेस में लगा रहा है, ठीक है, 20,000, 5,000, 15,000। 2 कौन लगा रहा है, ओनर। तो ये फर्स्ट अमाउंट हम जो बिजनेस लगा तो उसको क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। कितना हुआ 20 + 20, 40,000। ठीक है, नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, एक असेट रहा तो नेम लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे 3 असेट है तो इसलिए लिखेंगे विथ अब असेट्स। अब रुपीस कितना है टोटल असेट, हो 40,000, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट जर्नल एंट्री। सेकेंड वन देखिए यहाँ पे दिया गया है, सेकेंड जर्नल एंट्री डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि बैंक में क्या कर रहे हैं, हम डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये है 2 जनवरी। बैंक में जब जमा करते हैं तो बैंक क्या होगा, रिसीवर, क्योंकि बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, तो रूल चाहिए डेबिट से क्रेडिट की। तो बैंक में हम जब हम पैसा जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है, रिसीव करते हैं, तो रिसीव डीआर में। और हमारे पास से क्या हम जमा कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बिजनेस से कैश क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रियल अकाउंट में गोज आउट। यानी रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बैंक अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है कि ये कैश जमा कर रहा है, तो बिजनेस अकाउंट्स में अगर वो मेंशन नहीं किया तो हम बिजनेस में बैंक में क्या जमा करते हैं, कैश जमा करते हैं या चेक। चेक अगर दिया गया तो हम चेक लेंगे, लेकिन यहाँ पे चेक नहीं दिया, यहाँ पे डिपॉजिट है, तो हम अजम्पशन करेंगे कि कैश जमा किया, तो कैश क्या है, गोज आउट। कितना जमा कर रहा है बैंक में, 12,000। नरेशन क्या देखेंगे, बीइंग क्या करे, वही क्या करें हम, बीइंग कैश क्या करे, डिपॉजिट करे। डिपॉजिटेड ऑफ रुपीस 12,000 एट बैंक, ठीक है ना, जो भी हम करते हैं वही इसको सिंपल इंग्लिश में नरेशन में लिख देंगे एट बैंक। चलिए थर्ड वन करते हैं, तीसरा दिया गया है यहाँ पे क्या, बॉट मीन्स परचेस, बॉट करने का क्या बोलते हैं, बइंग या परचेस कर रहे हैं, क्या परचेस कर रहे हैं, गुड्स, किससे कर रहे हैं, रवि ट्रेडर से। देखिए यहाँ पे क्या से चेक नहीं दिया गया, सिर्फ क्या है, रवि से हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो ये क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट रहा तो रवि देखना है कि हम अगर परचेस कर रहे हैं तो गुड्स है, गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है, तो बिजनेस में क्या होगा, हम परचेस करेंगे तो आएगा, तो इसको बोलेंगे हम कम सीन, रियल अकाउंट, ठीक है ना। दे कौन रहा है, रवि है, लेकिन यहाँ पे कैश या चेक नहीं दिया, तो रवि क्या है, क्रेडिट है, मतलब क्रेडिट ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो रवि क्या हमको दे रहा है, यानी कि गिवर है। तो परचेस अकाउंट डेटा टू रवि ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है ना।
परचेज काउंट डेटा टू रवि ट्रेडर्स अकाउंट। कितना परचेस कर रहे हैं हम? 3000 का उधार ले रहे हैं। तो नरेशन क्या करेंगे हम? जो ये ऊपर जो किए बीइंग, क्या परचेस किया हमने? गुड्स। परचेस्ड ऑफ रुपीज 3000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि ट्रेडर। जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ नहीं लिखे थे, क्योंकि चलो इतना ही लिखेंगे ऑन क्रेडिट उधार, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6/1 है डेट, 6/1/2009 सिक्स डेट है, 6 जनवरी। क्या कर रहे हैं हमने यहाँ पे? परचेस किया और यहाँ पे क्या करते हैं हम? सेल, वही रहता ना बिजनेस, परचेस एंड सेल। सोल्ड गुड्स टू विनायक, विनायक को हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं। सोल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास जो स्टॉक है वो बाहर चला जा रहा था, यानी कि गोज आउट। और ले कौन रहा है? विनायक। विनायक कौन है? पर्सनल अकाउंट है, ये रिसीवर है तो रिसीव कर रहा है। तो विनायक अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, ये उधार है इसलिए क्या है? पर्सन नेम आएगा, ठीक है ना। विनायक अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 2000 का हमने सेल की है। नरेशन सेम नरेशन, हमने ऊपर क्या किया था? 25 के, तो यहाँ पे क्या है? गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 2000 किस में? क्रेडिट में, ऑन क्रेडिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। 10 जनवरी है यहाँ पे देखिए, 6 होने के बाद क्या है? 10 है, 10 में क्या आ रहा है? परचेस रिटर्न गुड्स टू रवि ट्रेडर, यानी कि जो हमने परचेस किया था ना रवि ट्रेडर 3000 का, तो यहाँ पे थोड़े डैमेज होने पर क्या पे प्रॉब्लम हो गया, तो हम क्या करते हैं? कस्टमर सप्लायर को रिटर्न भी करते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम। रिटर्न गुड्स टू रवि ट्रेडर्स 200, रवि ट्रेडर्स को हम क्या किए ये देखना आएगा, क्या किया हमने? परचेस किया तो होगा परचेस रिटर्न। अगर हमने विनायक को रिटर्न कर आया, रिटर्न आएगा तो हम करेंगे कि सेल्स रिटर्न, यानी कि रिटर्न जब आएगा तो हम देखना होगा कि हमने परचेस किया है या सेल किया। परचेस किया है तो परचेस रिटर्न, सेल्स किया है तो सेल्स रिटर्न, और ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि परचेस डी आर साइड तो रिटर्न आएगा तो सी आर, सेल्स क्या है सी आर साइड, अगर सेल्स रिटर्न आ गया तो डी आर। क्यों? क्योंकि हम जब परचेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होगा? वो कम्स इन होगा, इसलिए डी आर में। जब हम रिटर्न करते हैं तो बिजनेस से क्या हो जाता है? वो चले जाता है, इसलिए क्या है? गोज आउट सी आर। सेल्स भी सेम, हम जब सेल करते हैं तो बिजनेस से चले जाता है क्रेडिट साइड, और जो कस्टमर जब रिटर्न करके हमारे बिजनेस में वापस भेजता है तो हम क्या करते हैं? उसको बिजनेस में लेते हैं, तो उसको होता है कम्स इन, इसलिए क्या? सेल्स रिटर्न डी आर में आता है और परचेस रिटर्न सी आर। तो यहाँ पे कौन सा रिटर्न है? परचेस रिटर्न है। किसको की रहे हम? रवि ट्रेडर। तो अब रवि यहाँ पे गिवर है, यहाँ पे रिसीवर, हम जब रिटर्न करेंगे तो वो क्या करेगा? ठीक है, और डैमेज है तो हम क्या करते हैं? वो ले लेता, तो ये रिसीवर होगा। तो ठीक है, रवि ट्रेडर्स अकाउंट डेटा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। समझ में? परचेज रिटर्न करते वक्त बहुत से कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, कंफ्यूज करने का कोई ये जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखना होगा कि हमने क्या रिटर्न किया है, परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? रिटर्न टू रवि ट्रेडर्स, ये परचेज रिटर्न है, तो किसको कर रहे हैं? रवि रिसीवर है, रवि अकाउंट, रवि ट्रेडर्स अकाउंट डेटा टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना रिटर्न कर रहे हैं हमने? 200। अब जब हम रवि को पेड करेंगे पैसे, तो ये देखना होगा कि हमने रिटर्न कितना किया था, डिडक्ट करने पर रिमेनिंग अमाउंट हमको बैलेंस पेड करना। बीइंग गुड्स, यहाँ पे परचेज नहीं किया हमने, क्या की गुड्स? रिटर्न ऑफ रुपीज 200 टू रवि ट्रेडर्स, ठीक है। चलिए
टेन के बाद देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट है ट्वेल्थ एंड परचेज ऑफिस फर्नीचर। देखिए यहाँ पे परचेज टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है गुड्स और एक होता है पर्सनली ऑफिस के लिए जो यूज करते हैं नासक वो असक। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या है, हम सेल भी करते हैं, लेकिन ये परचेज जो ऑफिस के लिए कर रहे हैं तो हम फर्नीचर ऑफिस के लिए परचेज कर रहे हैं, ये सेल नहीं करेंगे, तो उस वक्त हमको असेट नेम लिखना होगा, परचेज नहीं। ठीक है, परचेज ऑफिस फर्नीचर यानी कि हमने यहाँ पे असेट नेम दिया गया है, ऑफिस फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं तो ये बिजनेस आ रहा है तो कम सीन में, और यहाँ पे दिया नहीं है कि कैश कर रहे हैं पेड या चेक, तो हम अजम्पशन करेंगे कि हमने कैश दे के लिया। ठीक है, तो ये डेट टेन के बाद डेट है ट्वेल्थ वन, क्या परचेज किया हमने ऑफिस फर्नीचर। डेटा टू कैश अकाउंट कितने का है वो 500 बीइंग ऑफिस फर्नीचर परचेस्ड ऑफ रुपीज 500 इन कैश, कैश में हमने परचेज किया है। ठीक है, चलिए 12 की बात है डेट यहाँ पे और पे ऊपर से शुरू करेंगे, ज़्यादा से ट्रांजेक्शन हमने नीचे परफॉर्म डाला है। ठीक है ना, यहाँ पे डेट गया नेक्स्ट है 13/1/2009 13th का है, यहाँ पे क्या क्या है 13th में देखिए, यहाँ पे क्या है विनायक रिटर्न एज गुड्स, अब विनायक भी रिटर्न कर रहा है, विनायक को हमने क्या किया था, विनायक का देखने के लिए यहाँ पे देखना होगा क्या किया था हमने, सोल्ड किया था, तो अब ये भी रिटर्न हो रहा था, ये है सेल्स रिटर्न हमको वापस आ रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट रिटर्न हो रहा है तो हमको क्या हो रहा है कमीशन हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेटा टू कौन दे रहा है, विनायक गिवर है, समझ में। चलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेटा टू विनायक अकाउंट कितना 100 का रिटर्न कर रहा है वो विनायक। चलिए नरेशन लिखेंगे हम बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम किससे विनायक रुपीज 100। ठीक है, चलिए 14th में दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्या है 14th में पेड रवि ट्रेडर्स बाय चेक, रवि ट्रेडर्स को क्या कर रहे हैं हम पेड कर रहे हैं, रवि ट्रेडर्स का कितना बिल है टोटल 3000 है और रिटर्न भी किए हुए रवि ट्रेडर्स को हम 200 देना, कितना होगा हमको 3000 में तो 200 करना 2800 देना, लेकिन दिए कितने रहे हम 1800। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैलेंस भी है और अमाउंट। ठीक है, चलिए 14th में है पेड रवि ट्रेडर्स बाई चेक, पेड कर रहे हैं तो बैंक क्या है गिवर है और रिसीव कौन कर रहा है रवि ट्रेडर्स, चलिए यहाँ पे रवि ट्रेडर्स ट्रेडर्स अकाउंट डेटा टू किससे चेक कर रहे हैं पेड कर रहे हैं चेक से, तो बैंक अकाउंट टोटल रवि ट्रेडर्स का बैलेंस कितना है 3000 है, 2000 का रिटर्न हो गया है सो हमने किए थे तो 2800 देना है, तो हम देर कितने रहे हैं 1800, अभी 1000 क्या है बैलेंस है 1800। नरेशन बीइंग चेक पेड 800 टू रवि ट्रेडर्स, इतने भी लिखे चल चेक पेड ऑफ रुपीज 1800 रवि ट्रेडर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम है। 16th 1 2009
16 का देखिए क्या है यहाँ पे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनायक एंड पेड इन टू बैंक। अब विनायक से हमने चेक रिसीव कर रहे हैं, अब ये भी देखना है कि विनायक को हमने कितना सेल किया था, 2000 का, 2000 का सेल किया था ना, रिटर्न कितना हुआ था करे तुमने 100, यानी कि 1900 हमको उसको से आना है पैसा, लेकिन दे कितना रहा 1200, अभी 700 रुपीज बैलेंस, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे रिसीव हो रहा है चेक, तो बैंक क्या है, रिसीवर है बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में जमा कर रहा, पेड इनटू बैंक है, ठीक है ना। चलिए बैंक अकाउंट डेटर 2, कौन दे रहा है, विनायक अकाउंट, कितना 1200, अभी 1900 देना, लेकिन हम दिए कितना 1200, अभी बैलेंस है 700, ठीक है ना। चलिए नरेशन बीइंग चेक रिसीव्ड 1200 फ्रॉम, इसलिए हमने विनायक, ठीक टीम के बाद है नेक्स्ट 17th देखिए क्या है यहाँ पे, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन यहाँ पे रिसीव्ड आ रहा है, तो कमीशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पे रिसीव्ड इतना ही है, चेक या कैश नहीं दिया गया था, हम एजम्पशन करेंगे कि कैश रिसीव्ड, तो कैश क्या रियल अकाउंट है, तो जब इनकम होता है तो हम नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से कहाँ है, डेबिट ऑल इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम, जो इनकम रहा या गेन रहा तो क्रेडिट में, ये क्या रिसीव्ड है तो इनकम है, ये क्रेडिट कैसा ले रहे हैं हम, मेंशन नहीं किया तो हम एजम्पशन करेंगे कैश, तो कैश हमको क्या हो रहा है, कमीशन हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेटा टू कमीशन, कमीशन अकाउंट कितना 250, कमीशन हमको रिसीव्ड है, नरेशन में बीइंग कमीशन रिसीव कैश, ठीक है। नेक्स्ट है 19th, 19 का देखिए क्या है, पेड ऑफिस रेंट बाई चेक, हम यहाँ पे खर्चा पेड कर रहे हैं, रेंट है पेड कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंसेस है, तो ये नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस रहा, तो कहाँ पे डीआर में कैसे पेड कर रहे हैं, बैंक चेक से, बैंक क्या है गिवर है। रेंट अकाउंट ऑफिस रेंट अकाउंट डेटा टू टू बैंक अकाउंट कितना 350, नरेशन बीइंग चेक पेड फॉर ऑफिस रेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 25 देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे, 25 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे पर्सनल के लिए, विड्रॉ दो होते हैं, एक ऑफिस के लिए एक पर्सनल के लिए, पर्सनल के जब ये करते हैं तो ये बैंक के बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस है, विड्रॉ अकाउंट डेटा टू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल, बैंक क्या है गिवर है, और विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनली, तो ये पर्सनल रिसीव कर रहा था रिसीवर है, तो विड्रॉ अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, कितना विड्रॉ कर रहे हैं 700 टू बैंक अकाउंट, बी विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ऑफ रुपीज
700 बाई चेक नेक्स्ट है 30 30 देखिए क्या है यहाँ पे नेक्स्ट है 31 गुड्स विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यानी कि पर्सनल यूज यहाँ पे कैश विड्रा किया यहाँ पे क्या है चेक विड्रा किया यहाँ पे क्या है गुड्स विड्रा कर रहा है ठीक है ना ये भी क्या गुड्स विड्रॉ कर रहा है गुड्स विड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यानी पर्सनल यूज तो विड्रॉ अकाउंट डेटा टू गुड्स अकाउंट डेटा टू गुड्स अकाउंट कितना विड्रॉ कर रहे हैं 500 नरेशन बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ऑफ रुपीस 500 ठीक है ये हो गया टोटली ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट और नेक्स्ट हमको करना है ओपन ए पर्सनल अकाउंट ओपन पर्सनल अकाउंट हमको ओपन करना है तो ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर